गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर नंबर 4 और आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनर्जी पर। हाँ, इनर्जी पर डिस्कशन होगा कि इनर्जी क्या है, तो इनर्जी किसे कहते हैं, है ना। काम करने की क्षमता को हम इनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा वह जितना काम कर सकता है, उसमें जितना काम करने की क्षमता है, वही उसका इनर्जी कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इनर्जी को डिफाइन करने की बारी आए तो हम क्या कहेंगे कि द इनर्जी ऑफ अ बॉडी, किसी वस्तु का ऊर्जा क्या होता है, इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता ही उस वस्तु का ऊर्जा कहलाता है, है ना। कोई वस्तु कितना काम कर सकता है, वही उसका ऊर्जा कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, किसी वस्तु का इनर्जी मेजर करना है तो वह वस्तु कितना काम कर सकता है, वो हमको मेजर करने की आवश्यकता है। तो कहने का यहाँ ये मतलब हुआ कि इनर्जी कैसे मेजर करेंगे। इनर्जी इज मेजर्ड बाई द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जितना वर्क किया गया, वर्क डन बाई दैट बॉडी, कोई भी वस्तु कितना काम किया, वही उसका वर्क इनर्जी के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है, वर्क ही मेजरमेंट है इनर्जी का। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझें कि इनर्जी किसी बॉडी का, उस बॉडी के द्वारा किया गया वर्क डन के बराबर ही होता है। यानी कि इनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। वस्तु जितना काम कर सकता है, उसमें उतना ही इनर्जी है। जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी कम काम कर सकता है, उसमें कम इनर्जी है। तो वर्क और इनर्जी जो है, सो इक्विवेलेंट टर्म्स हैं। इनर्जी का हम बात करें तो इनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। इनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। और यदि हम यहीं पर इनर्जी के डायमेंशन का चर्चा करें, तो इनर्जी का डायमेंशन, चाहे वो कोई भी इनर्जी हो, किसी भी फॉर्म का इनर्जी हो, इनर्जी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन हमेशा बराबर होगा। ये दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। और वर्क का डायमेंशन हम लोगों ने पहले देखा है, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। तो इस प्रकार इनर्जी का डायमेंशन देख लीजिए कितना होता है, m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -2। यदि यहीं पर इसका यूनिट का चर्चा करें इनर्जी का, तो SI यूनिट ऑफ इनर्जी, तो इनर्जी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, जो वर्क का SI यूनिट है। तो वर्क का SI यूनिट था जूल, तो इनर्जी का भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। यहीं हम CGS यूनिट का बात करें, तो CGS यूनिट ऑफ इनर्जी बराबर हो जाएगा अर्ग। और फिर ये दोनों के बीच का रिलेशन था, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग। फिर एक अर्ग बराबर निकाल लें, तो एक अर्ग बराबर हो जाएगा 10^-7 जूल। अच्छा, अदर फॉर्म्स ऑफ इनर्जी का बात करें हम, तो इनर्जी के अलग अलग रूप का यूनिट अलग अलग होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इनर्जी मेजर करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6×10^-19 जूल। ठीक, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6×10^-19, और मेगा का मतलब होता है मिलियन, 10^6 हो जाएगा जूल। यानी कि 1.6×10^-13 जूल। अच्छा, एनर्जी का और भी यूनिट आता है,
एक कैलोरी इक्वल टू आप पढ़े होंगे 4.186 जूल। यदि आप राउंड फिगर में देखें तो ये होगा 4.2 जूल, एक कैलोरी बराबर। अच्छा, एक और यूनिट ये आता है आपका एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स में या साइंसेस में, न्यूक्लियर लेवल पर जो एनर्जी मेजर होता है, सो ये हो गया हीट एनर्जी मेजर करते हैं सो। और यदि इलेक्ट्रिक एनर्जी मेजर करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किलो वाट आवर में मेजर होता है। और एक किलो वाट बराबर बराबर एक किलो बराबर हो गया 10^3 वाट हो गया, और आवर को यदि आप सेकेंड में बदलें तो हो गया 60 × 60 सेकेंड, यानी कि ये हो गया 60 × 60 3600 × 10^3 वाट सेकेंड, यानी कि ये हो गया 3.6 × 10^6 और वाट सेकेंड को हम लोग कहते हैं जूल। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि एक किलो वाट आवर बराबर कितना निकल कर के आया, 3.6 × 10^6 जूल। तो किलो वाट आवर जो है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है, बिजली विभाग उसी को एक यूनिट कहता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के कई रूप हैं, है ना, वो सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ऊर्जा के कई रूप, तो ऊर्जा के रूपों में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया ना, साउंड एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम लोग देखते हैं तो कौन कौन एनर्जी देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा के कई रूप, तो एक हो गया मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर मैग्नेटिक एनर्जी। तो इस प्रकार से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के कई रूप हैं, है ना। तो उसमें से हमको खास करके आपको इस स्टैंडर्ड के सिलेबस में आपको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एनर्जी पर। तो मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, द एनर्जी पजेस्ड बाई मैकेनिकल मीन्स, यानी कोई भी वस्तु में जो एनर्जी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी दो फॉर्म में होता है, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी जो होगा सो दो फॉर्म में होगा। एक इसका फॉर्म होगा, यानी कि ये दो एनर्जी मिल करके बनाते हैं मैकेनिकल एनर्जी, एक तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब हो गया क्या कि वस्तु के मोशन के कारण जो एनर्जी बनेगा सो पोटेंशियल एनर्जी, उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होगा सो, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर
मैकेनिकल एनर्जी। तो ये दो एनर्जी का जो सम होगा वही हम सम को क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। अब मैकेनिकल एनर्जी में आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन, वो भी अलग अलग मेथड से भी। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी, हाँ, कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, कोई भी वस्तु यदि मोशन में है, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अर्थात जब कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, तब उसमें जो ऊर्जा संचयित हो जाता है, जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, जो भी एनर्जी होता है मोशन के कारण, वही एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी मूविंग बॉडी होगा, है ना, कोई भी मूविंग बॉडी होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आवश्यक रूप से होगा। यदि मूव कर रहा है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का जो हम एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यानी मास ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आता है सो देख लें। एक्सप्रेशन मान लें कि इस पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर बल लगाया गया, हालांकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगाया गया तो ये वस्तु में मोशन प्रारंभ हुआ और ये धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़कर के कितना हो गया, वी हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया ये, हाँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और उस दरमियान एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, ए। एम मास का वस्तु है तो एम मास के वस्तु पे एफ कांस्टेंट फोर्स लगाया गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो से ये एक्सेलरेट होते हुए फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसका, वी। आप लिख लेंगे यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, एम हो गया मास ऑफ द पार्टिकल, एफ हो गया कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स, एस हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वी हो गया फाइनल वेलोसिटी अक्वायर्ड आफ्टर द डिस्टेंस एस। एस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी कितना है, वी है। और हम लोग रिलेशन पढ़े हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, हाँ, तो हम लोग इस इक्वेशन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस से हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग डील कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे हम, तो भी स्क्वायर, ये भी क्या है, भी क्या है, ये वस्तु रेस्ट में था, जब फोर्स लगाया गया तो इसका वेलोसिटी बढ़ने लगा और ये वस्तु एक्सेलरेट हो गया फोर्स लगाते साथ ही, है ना, ए एक्सेलरेशन से। तो ए एक्सेलरेशन हमको निकालना है, ये हो गया जीरो का स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, अर्थात वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। यहाँ से ए निकाल लेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू एस। तो ये निकल गया क्या, एक्सिलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड। तो ये हो गया एक्सिलरेशन प्रोड्यूस्ड कब, जब एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगाया गया तब, तो उस बॉडी में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अब जब एक्सेलरेशन निकल गया है तो हम लोग क्या पढ़े, एफ बराबर
एम ए पढ़े हैं ना हम लोग, पढ़े हैं एफ बराबर एम ए। अच्छा हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वर्क निकालना होगा। ये वस्तु मोशन में आया तो यू से भी तक वेलोसिटी गेन करने में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस, तो एस डिस्टेंस ट्रैवल करने के दरमियान ये कितना वर्क किया, तो वर्क डन बाय द बॉडी। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स बराबर हम लोग क्या पढ़ें, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। और यही वर्क जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि जो कोई भी वस्तु जितना काम कर सकता है वही उसका ऊर्जा कहलाता है, और यहाँ मोशन में है ऑब्जेक्ट। तो एम ए के प्लेस पे कितना आया, वी स्क्वायर बाई टू एस, वी स्क्वायर बाई टू एस, और ये क्या हो गया, एस, एस और एस कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल करके आया, एम वी स्क्वायर बाई टू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया किसी वस्तु का। तो पहली बात कि इफ वी बराबर जीरो देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो जीरो, एंड इफ वी इक्वल टू नॉन जीरो देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी विल बी नॉन जीरो। यानी कि यदि ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, यदि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। कंक्लूजन कि बिना मोशन के किसी वस्तु में काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता। ठीक, ये हो गया एम क्या, मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, बी हो गया वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। इस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ये दोनों के बीच का रिलेशन देखिए। क्योंकि लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो किसके किसके बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, इनके बीच का रिलेशन। तो हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम बराबर होता है एम वी, एंड काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है उसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और इसमें क्या करें आप, एम वी स्क्वायर में एम से मल्टीप्लाई भी कर दें और एम से डिवाइड भी कर दें, तो यहाँ निकल करके क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर वन बाई टू एम, ऊपर में हो गया कितना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर एम वी का होल स्क्वायर बाई टू एम। काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर जो आप एम वी देख रहे हैं, यहाँ देखिए एम वी, एम वी बराबर होता है लीनियर मोमेंटम, तो एम वी के प्लेस में हम लिख दिए पी, ये क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई टू एम। तो काइनेटिक एनर्जी का तो एक फॉर्मूला निकल करके क्या आ गया, पी स्क्वायर बाई टू एम, यहाँ से पी यदि निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू एम के, यानी पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर टू एम के। पी हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल, एम हो गया मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, के हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पार्टिकल का मोमेंटम जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी पर निर्भर करेगा।
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग देखे एक हाफ एम वी स्क्वायर, और यदि मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी निकालना है तब काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम। देख लीजिए कैसे रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम। अब हम इसके बाद देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो ये रिलेशन देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसको देखेंगे कैलकुलस मेथड से। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसमें हम बताएंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम कैलकुलस मेथड। तब तक इसको रिवाइज करके आप लोग इस पे आधारित जो भी न्यूमेरिकल्स होगा वो आप लोग सॉल्व करना। बाकी हम आगे के लेक्चर्स में, वीडियोस में हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे भी। आज इतना ही रहने दें। थैंक यू।